हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर, सब्जेक्ट कोड 102, फर्स्ट ईयर, यूनिट 11, मॉडर्न फिजिक्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन बनाएं। इसमें पहला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा व न्यू आवृत्ति के फोटोन की नंबर एक ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है, नंबर दो ऊर्जा ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा होती है, नंबर तीन इसका संवेग ई बराबर एच अपॉन लैम्डा, या चौथा है इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि न्यू आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है, अर्थात ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति न्यू बराबर सी बटा लैम्डा, सी प्रकाश का या फोटोन का निर्वात में वेग है, तो न्यू का मान रखने पर ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा, अर्थात ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती व तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोटोन का संवेग ई बराबर एच अपॉन लैम्डा डी ब्रोगली परिकल्पना होती है, उसके अनुसार होता है, जहाँ एच प्लैंक नियतांक है। क्वेश्चन नंबर टू, फोटोन का विराम द्रव्यमान एम जीरो तथा आवेश होता है। इसमें है पहला, दोनों शून्य, विराम द्रव्यमान भी जीरो आवेश भी जीरो। नंबर दो, विराम द्रव्यमान जीरो आवेश शून्य नहीं है। नंबर तीन, विराम द्रव्यमान शून्य नहीं है आवेश जीरो है। और चौथा, विराम द्रव्यमान व आवेश दोनों आवेश क्यूब दोनों शून्य नहीं हैं। तो इसका आंसर है कि दोनों शून्य हैं, विराम द्रव्यमान भी जीरो है आवेश भी जीरो है। क्योंकि फोटोन एक उदासीन कण होता है, यह तो ऊर्जा का क्वांटा या बंडल या पैकेट होता है। इसका विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन गति करने पर द्रव्यमान शून्य नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर तीन, प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है। नंबर एक, देहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक आवृत्ति के प्रकाश द्वारा। नंबर दो, धातु का ताप बढ़ाने पर। नंबर तीन, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर। नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पहला, देहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक आवृत्ति के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रवाह घटना होती है। जब किसी धातु की सतह पर न्यूनतम आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो कहते हैं से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश गिरने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से विद्युत धारा बनती है, तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन व धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जो आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर होता है, संख्या पर निर्भर होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन व धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है।
आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपतित फोटोन की संख्या पर निर्भर न करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आवृत्ति न्यू पर, नंबर 2 तीव्रता पर, नंबर 3 दोनों पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता में आपतित प्रकाश की तीव्रता में ग्राफ खींचे तो एक सीधी लाइन आती है, सरल रेखा दिखाई देती है। धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता व प्रकाश की तीव्रता प्रकाश धारा के समानुपाती होती है। प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। क्योंकि एक फोटोन धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, अतः तीव्रता अधिक होने पर, यानी प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या अधिक, अतः इलेक्ट्रॉन अधिक उत्सर्जित होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रकाश धारा अधिक होगी, अतः प्रकाश धारा आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा व स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव V0 निर्भर करते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, नंबर 2 तीव्रता पर, नंबर 3 दोनों पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आवृत्ति पर। उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर व निरोधी विभव V0 आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण इस प्रकार दी जाती है, h nu - h nu 0 बराबर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर या EV0। न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या अधिकतम वेग, और न्यू 0 डेली आवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई है, की गई किसके द्वारा की गई? नंबर 1 प्लांक के द्वारा, नंबर 2 होलवॉक, नंबर 3 मेनन, नंबर 4 आइंस्टीन द्वारा। तो इसका आंसर है आइंस्टीन के द्वारा की गई है। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की, सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की, वह बताया कि आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा h nu दो कार्य करती है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में, इसे कार्यफलन कहते हैं, और दूसरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अर्थात h nu बराबर 5 + ½ mv² या h nu बराबर h nu 0 प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, जिसे h nu 0 को कार्यफलन कहते हैं। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है, h nu - h nu 0 बराबर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर समीकरण ही प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण आइंस्टीन का। क्वेश्चन नंबर 7, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल पर प्रकाश धारा का मान, नंबर 1 शून्य हो जाता है, नंबर 2 अधिकतम हो जाता है, नंबर 3 धारा नियत रहती है, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। उत्तर इसका है शून्य, धारा शून्य हो जाती है। वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, तो धारा शून्य रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु के नाभिक में स्थित कण होते हैं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन,
प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन तीनों, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो तरह के कण रहते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जो बाहर चक्कर लगाता है। नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या आर समानुपाती होती है। द्रव्यमान संख्या ए के एक इकात एक बटा तीन के, ए स्क्वायर के एक इकात दो बटा तीन के, इसका आंसर है नाभिक की त्रिज्या आर एक की घात एक बटा तीन के समानुपाती होती है। ये द्रव्यमान संख्या है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या ये द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसमें न्यूमेरिकल भी इस तरह से बन सकता है, दो परमाणु के द्रव्यमान संख्याएं 27 व 125 हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा आर वन बटा आर टू बराबर ए वन बटा ए टू की घात एक बटा तीन, यानी 27 बटा 125 की घात एक बटा तीन, 27 का घनमूल तीन, 125 का घनमूल पाँच, तो त्रिज्याओं का अनुपात तीन अनुपात पाँच होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 92 यूरेनियम 235 के विखंडन में, यूरेनियम के विखंडन में उत्सर्जित होते हैं बेरियम, क्रिप्टॉन, तीन न्यूट्रॉन व ऊर्जा, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नाभिक के विखंडन में दो या दो से अधिक छोटे स्थायी नाभिक बनते हैं, उसे नाभिक के विखंडन कहते हैं नाभिक अभिक्रिया में। तो इसके अंदर मंद गति का न्यूट्रॉन 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मंद गति का न्यूट्रॉन यूरेनियम जब यूरेनियम 235 से टक्कर करता है, कोलिजन करता है, तो यूरेनियम 236 बनता है, संयुक्त नाभिक बन जाता है। उसके बाद में यह स्थायी नाभिक बेरियम व क्रिप्टॉन 56, 141 व 36, 92 में विभाजित हो जाता है और साथ में तीन न्यूट्रॉन प्लस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, यूरेनियम 235 के विखंडन में न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई जाती है, वह होता है न्यूट्रॉन होता है मंद गति का, तीव्र गति का, और उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होती है इस विखंडन अभिक्रिया में, तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है मंद गति का न्यूट्रॉन से टक्कर कराई जाती है, उत्सर्जित ऊर्जा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दूसरा है तिरोगामी न्यूट्रॉन से टक्कर कराई जाती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तीसरा है मंद गति के न्यूट्रॉन से टक्कर कराई जाती है, उत्सर्जित ऊर्जा 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और चौथा है तिरोगामी न्यूट्रॉन से टक्कर कराई जाती है, उत्सर्जित ऊर्जा 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका आंसर है मंद गति की न्यूट्रॉन से टक्कर व उत्सर्जित ऊर्जा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो 92-235 पर धीमी गति या मंद गति की न्यूट्रॉन के टक्कर से ही विखंडन होता है, यूरेनियम 235 टूटता है। तिरोगामी या अधिक ऊर्जा का न्यूट्रॉन से टक्कर कराया जाए तो यूरेनियम 235 उसको अवशोषित कर लेता है और इस नाभिक का विखंडन नहीं होता है, तथा यूरेनियम 235 के विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, सलिन अभिक्रिया में आवश्यक शर्त है, पहली उच्च ताप होना चाहिए 10^7 से 10^8 केल्विन, उच्च दाब होना चाहिए, उच्च घनत्व होना चाहिए, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों शर्त पूरी होने पर ही सलिन अभिक्रिया होती है, जिसमें छोटे दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक बड़ा स्थायी नाभिक बनाते हैं, साथ में 26.7 लगभग 27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। नोट, उच्च ताप पर सलिन अभिक्रिया संपन्न होने के कारण इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य व तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है, पहला है नाभिक के विखंडन, दूसरा नाभिक के सलियन, नंबर तीन पहला और दूसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है नाभिक के सलियन। सूर्य व तारों में चार हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, स्थायी नाभिक बड़ा नाभिक बनाते हैं, और ऊर्जा
निकलती है। अतः सूर्य व तारों में सलयन अभिक्रिया होती है जो कि दो प्रकार से होती है, पहला है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, दूसरा है कार्बन नाइट्रोजन चक्र, और उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकीय बलों का सही कथन है। ऑप्शन पहला, यह प्रबल आकर्षण बल होता है, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियनों के बीच लगता है। दूसरा ऑप्शन है, इसकी प्रास रेंज नाभिक के आकार 10^-15 मीटर तक यानी अल्प प्रास होती है। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, चक्रण पर निर्भर करता है, स्पिन पर डिपेंड होता है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नाभिक के बल प्रकृति में पाए जाने वाले चार बलों में प्रबलतम होता है। यह आकर्षण बल होता है, नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन और प्रोटोनों के बीच लगता है, अतः अल्प प्रास 10^-15 मीटर की रेंज या 1 फर्मी मीटर की रेंज का होता है तक ही लगता है। यह उदासीन कण न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जैसे न्यूट्रॉन और आवेशित कण प्रोटॉन के बीच भी लगता है, अतः आवेश पर निर्भर नहीं करता है, न्यूक्लियनों के चक्रण यानी अपने अक्ष पर घूर्णन पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU का मान होता है 931 mIV, 931 kIV, 931 eV और 93.1 mIV। तो इसका आंसर है 931 mIV। एक एटॉमिक मास यूनिट के अंदर 931 mIV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होती है, जो कि आइंस्टीन के मास द्रव्यमान रिलेशन से निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, नाभिक के भट्टी या परमाणु भट्टी में नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया जो होती है वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसमें के का मान 1। इसमें उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें नियंत्रक छड़ें कैडमियम और बोरोन से उपयोग में लिए जाते हैं, नियंत्रित की जाती हैं। तीसरा है, इसमें उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन व अनुसंधान कार्य जैसे शांतिपूर्ण कार्य में होता है। उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नाभिक के परमाणु भट्टी नाभिक के भट्टी में उपयोग में लेते हैं, पहला है मंदक मॉडरेटर। मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना है, मंद गति की न्यूट्रॉनों से ही यूरेनियम 235 का विखंडन होता है। नंबर 2, मंदक के रूप में भारी पानी साधारण पानी बेरिलियम ऑक्साइड व ग्रेफाइट को उपयोग में लेते हैं। नंबर 3, कैडमियम में बोरोन नियंत्रक छड़ें छड़ों के रूप में न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर ऊर्जा उत्सर्जन को नियंत्रित करती हैं, श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल करती हैं। उपरोक्त सभी ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिक के परमाणु भट्टी नाभिक के भट्टी में पहला ऑप्शन है यूरेनियम 235 व प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में उपयोग होते हैं। नंबर 2, शीतलक ऊर्जा को भट्टी से बाहर निकालते हैं, ऊष्मा को सोख कर बाहर निकालते हैं, द्रव सोडियम पानी हवा भारी पानी आदि शीतलक के रूप में उपयोग में लेते हैं। नंबर 3, परिरक्षक के रूप में सीमेंट और कंक्रीट की मोटी दीवार बनाते हैं जिससे हानिकारक विकिरण बाहर न आए। उपरोक्त सभी। परमाणु भट्टी के अंदर 5 भाग होते हैं, ईंधन मंदक नियंत्रक छड़ें शीतलक परिरक्षक। ये उनका कार्य और पदार्थों के नाम जो उपयोग में लिए जाते हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स पर आधारित। धन्यवाद।